हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। दोस्तों, आज हमारे सामने खड़ी है स्कॉडा की सलाविया, एंड बात करते हैं दोस्तों, ये है आपकी इंडियास मोस्ट सेफेस्ट सेडान। दोस्तों, सलाविया आपको तीन वेरिएंट में देखने को मिल जाती है, एंड अभी आप जो वेरिएंट देख रहे हैं ये है आपका टॉप एंड वेरिएंट स्टाइल। एंड दोस्तों, इसमें जो आपको कलर मिलता है ये आपको मिलता है लावा ब्लू कलर। एंड अगर इसमें बात करते हैं इसके इंजन की, तो आपको इसमें 1.5 लीटर DSG गियर बॉक्स के साथ इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि आपका आता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। एंड अगर इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करते हैं, तो ये आपको 18.40 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस है, एंड 21.20 लाख रुपीस ऑन रोड प्राइस है। इतने सारे पैसे देने के बाद आपको क्या क्या फीचर्स कंपनी ऑफर करती है, ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 1.7 मीटर की आपको इसमें वेट देखने को मिल जाती है। वहीं दोस्तों, टिपिकल सी आपको स्कॉडा की ग्रिल देखने को मिल जाती है, एंड नीचे दोस्तों आपको कुछ इस टाइप की सेंटर में ग्रिल देखने को मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि आपका वर्ना एंड सलाविया एंड वर्टिस का सेम है। हेडलाइट सेटअप की बात करते हैं, तो आपको दोस्तों यहाँ पर DRLs देखने को मिल जाते हैं, प्लस आपको प्रोजेक्टर में लाइट सेटअप, एंड इंडिकेटर की बात करें तो आपको हैलोजन में देखने को मिल जाता है। तो कुछ स्टेप से रहता है इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल। एंड नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों, तो आपको फॉग लैंप भी देखने को मिलेंगे, जो कि आपके रहते हैं हैलोजन बल्ब के साथ। एंड बात करें दोस्तों इसकी सर्विस कॉस्ट की पर ईयर, तो आपको 6 to 7,000 रुपीज़ देखने को मिल जाएगी। 4.5 मीटर की गाड़ी की लेंथ देखने को मिलती है, एंड कलर दोस्तों लावा ब्लू है, बड़ा शानदार लगता है। फ्रंट में जो आपको टायर साइज़ मिलता है दोस्तों, वो आपको 205/55 R16 का टायर साइज़, एंड आपको इसमें डिस्क ब्रेक ऑफर करती है कंपनी। साथ में आपको ड्यूअल टोन के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। साइड फेंडर की बात करें तो आपको इसमें स्कॉडा की बैजिंग क्रोम एलिमेंट के साथ देखने को मिल जाती है। साइड मिरर दोस्तों आपको मिलता है बॉडी कलर, एंड ये आएगा ऑटो फोल्डेबल, प्लस इसमें आपको मिल जाते हैं दोस्तों टर्न इंडिकेटर, जो कि आपको रहता है इंटीग्रेटेड। विंडो गार्निश दोस्तों आपको देखने को मिल जाती है क्रोम एलिमेंट के साथ, जो कि दोस्तों आपका लास्ट आता है क्वार्टर पैनल तक। एंड ऊपर दोस्तों आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाता है, एंड इसमें आपको रूफ रेल्स नहीं मिलते हैं। पीछे की तरफ सार्फिन एंटेना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, एंड इसमें क्रोम हैंडल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं दोस्तों पीछे वाले टायर की बात करें, तो आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक कंपनी ऑफर करती है, एंड रियर लुक्स दोस्तों गाड़ी के काफ़ी किलर्स हैं। सो रियर की बात करें तो बीच में दोस्तों आपको स्कॉडा की बैजिंग देखने को मिल जाती है क्रोम के साथ। वहीं दोस्तों नीचे की तरफ आपको कैमरे की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, एंड ऊपर आते हैं तो आपको हाई स्टॉप माउंट लाइट एंड डिफॉगर लाइंस देखने को मिल जाती हैं। सार्फिन एंटेना, जो कि आपका ब्लैक कलर का रहता है। टेल लाइट सेक्शन की बात करें तो पर्सनली मुझे बड़ी पसंद आई है टेल लाइट सेक्शन। एंड दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है इंडिकेटर हैलोजन बल्ब के साथ। रिवर्स पार्किंग भी हैलोजन बल्ब के साथ देखने को मिल जाती है, एंड नीचे रिफ्लेक्टर एंड क्रोम एलिमेंट्स, एंड आपको इसमें दोस्तों तीन पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ बात करते हैं तो आपको सलाविया की बैजिंग देखने को मिल जाती है क्रोम में। राइट साइड की बात करें, TSI की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। एंड वहीं दोस्तों बात करते हैं अगर इसके बूट स्पेस की, तो चलिए टेल गेट ओपन करते हैं। एंड जैसे आप ऊपर की तरफ देखेंगे, आपको इसमें कवरिंग देखने को मिलती है टेल गेट में। एंड बूट स्पेस की बात करें तो बहुत ह्यूज तो आपको उसमें बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। करीब 521 लीटर का आपको उसमें बूट स्पेस दोस्तों देखने को मिल जाता है। इजिली आपके 4-5 बैग आ जाते हैं। ऊपर की तरफ आपको लाइट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, एंड थोड़ा सा आपको इधर दोस्तों कॉस्ट कटिंग भी देखने को मिलेगी। वहीं बात करें दोस्तों अगर इसके स्टेपनी व्हील की, तो चलिए वो भी अपन चेक करते हैं। सो जो उसमें आपको टायर साइज़ देखने को मिल जाता है दोस्तों, 205/55 R16 का स्टील व्हील रिम के साथ टायर साइज़ देखने को मिल जाता है, यानी सेम साइज़ आपको देखने को मिलेगा। ड्राइवर साइड डोर की बात करते हैं, तो आपको इसमें क्रोम एलिमेंट देखने को मिलता है, रिपकस सेंसर। एंड अगर डोर पैनल की बात करें, तो ड्यूअल टोन का आपको डोर पैनल बेज एंड दोस्तों ब्लैक कलर का देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी शानदार सा लगता है देखने में। एंड वहीं दोस्तों अगर इसके बात करते हैं आपको क्या क्या फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ दोस्तों आपको देख लीजिए चारों पावर विंडो कंट्रोल्स देखने को मिलता है, चाइल्ड लॉक एंड मिरर सेट करने कंट्रोल्स, डोर ओपनर, यहीं दोस्तों आप ग्लॉसी ब्लैक के एलिमेंट्स, स्पीकर की प्लेसमेंट एंड बोतल स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। एंड सीट की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको 21 लाख रुपए देने के बाद भी मैन्युअली सीट हाइट एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है। एंड ट्रांसमिशन की बात करें तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ये आपका रहेगा।
तो अभी हम बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर, ये आपकी सलाविया एंड लावा ब्लू दोस्तों इसका कलर है। सो बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की, काफ़ी शानदार सा आपको इसमें इंटीरियर देखने को दोस्तों मिल जाता है एंड पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है इंटीरियर देखने में। वहीं दोस्तों बात करते हैं अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो वो आपको मिल जाता है लेदर रैप एंड टू स्पोक मिलता है दोस्तों, बीच में आपको स्कोडा का लोगो एंड लेफ्ट साइड की बात करें तो दोस्तों आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स वगैरह देखने को, वॉल्यूम कंट्रोल्स एंड राइट साइड आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है। क्लस्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको इसमें काफ़ी शानदार सा क्लस्टर देखने को मिलता है जो कि आपका रहता है डिजिटल क्लस्टर एंड वहीं दोस्तों आप भी आप देख सकते हैं इसमें जो आपकी टॉप स्पीड आती है 260 किलोमीटर की आती है एंड यहीं से दोस्तों इसको कुछ इस टाइप से चेंज भी कर सकते हैं आप लोग, जैसे आप देख सकते हैं नॉर्मल हो गया, फिर आप दबाएंगे तो कुछ इस टाइप से आरपीएम मीटर आपको शो कर देगा, देखने में काफ़ी अच्छा है दोस्तों एंड फील भी काफ़ी अच्छा आता है देखने के बाद। सेंटर की बात करते हैं दोस्तों, तो जो इसमें आपको टच स्क्रीन मिलती है वो आपको मिल जाती है 8 इंच की टच स्क्रीन एंड वहीं दोस्तों जो आपको ये पार्ट्स मिलता है ये आपको टेक्सचर मिल जाएगा प्लस ये आपको ग्लॉसी ब्लैक एंड ये दोस्तों आपके गोल्डन कलर में पार्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। वेंट्स की प्लेसमेंट दोस्तों कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाती है, बीच में आपको हजार्ड का ऑप्शन एंड यहीं दोस्तों आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक एसी देखने के लिए कुछ इस टाइप से। यहाँ से आप ये पूरा इसका ये पैनल है दोस्तों, ये आपका बटन में नहीं है, ये आपका टच पैनल है कुछ इस टाइप से एंड यहाँ से आप इसका फ्लो वगैरह सब कुछ कम वगैरह या तेज कर सकते हैं। यही दोस्तों आपको मोबाइल रखने का स्पेस है, वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाएगा एंड दोस्तों ये आपका रहता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। यही दोस्तों आपकी ये मिलता है आइडियल स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन प्लस साथ में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा फ्रंट की दोनों सीट आपकी वेंटिलेटेड है एंड यहाँ से आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं डायरेक्ट बटन दबाने के बाद। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, 2 कप ग्लास होल्डर एंड यही दोस्तों ये आपका रहता है हैंड ब्रेक प्लस आर्म रेस्ट की बात करें सॉफ्ट टच में ओपन करके देखते हैं थोड़ी सी स्पेस आपको देखने को मिल जाएगी एंड की बात करें तो कुछ इस टाइप की आपको इसमें की देखने को मिलती है दोस्तों, जिसमें आपका लॉक अनलॉक एंड इसको प्रेस करने से आपका बूट ओपन हो जाएगा, दोनों आपकी रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की रहेंगी। वही बात करते हैं दोस्तों इसकी सीट की, तो आपको जो दोनों सीट मिलती है फ्रंट की वो आपको वेंटिलेटेड प्लस लेदरेट सीट देखने को मिल जाती है जो कि आपकी रहती है दोस्तों ड्यूअल टोन में। ग्लव बॉक्स एंड ये आपको दोस्तों कूल ग्लव बॉक्स है, यहाँ पर आप नॉब देख सकते हैं, आपको नॉब भी दिया गया है। मिरर की बात करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक मिरर देखने को मिल जाता है यहाँ दोस्तों आपको रीडिंग लैंप्स एंड सनरूफ की बात करें तो दोस्तों यहाँ से वन टच आपको सनरूफ ओपन देखने को मिल जाएगा एंड यहीं से वन टच आपको क्लोज देखने को मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। यहीं दोस्तों आपको मिलते हैं ग्रैब हैंडल एंड सनवाइजर की बात करते हैं तो उसमें आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा। ड्राइवर साइड की बात करें टिकट होल्डर देखने को मिलता है बस। सो कुछ इस टाइप से रहता है गाड़ी का इंटीरियर दोस्तों, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सो दोस्तों हम बैठ चुके हैं गाड़ी की रियर सीट में एंड वहाँ का थाई सपोर्ट एंड कम्फर्ट वगैरह आपको किस लेवल तक अच्छा मिलता है ये चीज़ हम चेक करेंगे। पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप पीछे बैठेंगे तो आपको उसमें वेंट्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है प्लस वहीं दोस्तों आपको 2 सीट टाइप के फास्ट चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिल जाएंगे, तो यानी कंपनी थोड़ा बहुत तो कस्टमर के बारे में अच्छा सोचती है। वहीं दोस्तों ये आप कर रहे थे ग्रैब हैंडल्स एंड अगर रीडिंग लैंप्स की बात कर रहे हैं रीडिंग लाइट्स की तो आपको इसके यहाँ प्लेसमेंट देखने को मिल जाती हैं जो कि आपकी वाइट कलर की रहती हैं एंड बात करते हैं दोस्तों इसके थाई सपोर्ट की, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं आराम से बैठा हूँ एंड यहाँ देखिए दोस्तों आप बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस बच रहा है, मतलब नाम मात्र का स्पेस है बट थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है दोस्तों गाड़ी का। एंड अगर सीट की बात करते हैं चौड़ाई की दोस्तों आपको अच्छी खासी चौड़ी सीट्स में देखने को मिल जाती हैं एंड दोस्तों सीट की बात करते हैं तो आपको बेंच टाइप की सीट देखने को मिल जाती है, साथ में आपको 3-3 हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे एंड बीच में दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा आर्म रेस्ट जिसमें दोस्तों आपके रहते हैं 2 कप ग्लास होल्डर एंड पीछे की बात करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है कुछ भी सामान रखने के लिए। सो कुछ इस टाइप से रहता है इस गाड़ी का इंटीरियर, आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की, तो दोस्तों आपको इसमें मिलता है नीट एंड क्लीन इंजन जो कि आपका रहता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन जो आपकी पावर प्रोड्यूस करता है 148 BHP एंड 215 Nm का टॉर्क। एंड दोस्तों बात करें बोनट की तो आपको इसमें इंसुलेशन देखने को नहीं मिलता है, नॉर्मल सा आपको बोनट देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड जुड़े रहे हमारे साथ और नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।